नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोवी दशकांत पर। आज दोस्तों हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नेफा अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 20 जनवरी 1972 को इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तथा 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अरुणाचल का मतलब है सूर्य का आंचल, अर्थात जहां सूर्य सबसे पहले निकलता हो, इसलिए अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन के साथ, पश्चिम में भूटान तथा पूर्व में म्यांमार के साथ लगती है। क्षेत्रफल के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश देश का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। बात करें जनसंख्या की तो लगभग 15.5 लाख जनसंख्या के साथ देश का 26वां सबसे बड़ा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में कुल 26 जिले तथा 2 मंडल हैं। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री प्रेम खांडू थुंगन थे तथा पहले राज्यपाल यहाँ के भीष्म नारायण सिंह थे। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु मिथुन है, जिसे गायल के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश का राज्य पुष्प कोप फूल है, जिसे फॉक्सटेल ऑर्किड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, जो आपको अरुणाचल प्रदेश में हर जगह देखने को मिल जाएगा। होलोंग अरुणाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष है, जो आपको अरुणाचल प्रदेश में हर जगह देखने को मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का राज्य चिन्ह उगता हुआ सूर्य है। ये सूर्य 2 पर्वतों के बीच से उग रहा है। बीच में मिथुन यानी गायल का सिर बना हुआ है और पर्वतों के दोनों तरफ हॉर्नबिल पक्षी बना हुआ है। उगते हुए सूर्य के ऊपर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सिंह चिन्ह बना हुआ है। सोलंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। यहाँ के लोग इंग्लिश, न्यासी, मोनपा, मिजी, अका आदि भाषाएं बोलते हैं। तो ये थी अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमारी छोटी सी कोशिश। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।